आरआरओटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट की आरआरओटी बैंक पाठशाला में संस्था द्वारा दीपोत्सव मनाया गया। सामाजिक समानता से वंचित बच्चों को निरंतर 18 महीने से निःशुल्क शिक्षा सब भोजन प्रदान कर रही आरआरओटी बैंक के दीपावली के खुशियों के वितरण में लावा, मूढ़ी, चिनिया मिठाई, लड्डू, फुलझड़ी, मोमबत्ती आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष सह संभावना आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह ने संस्था के कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने संस्था की सराहना करते हुए बताया कि इस पाठशाला के बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है और यह आरआरओटी बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयास से संभव हो पाया है। दीपावली सामग्री वितरण के साथ ही साथ संस्था के सदस्यों ने बच्चों के साथ दीपावली भी मनाया। अन्य सदस्यों में अर्पिता मैडम, संस्था के अध्यक्ष कुमार रोहित, राजेश कुमार, रवि सहाय, सतीश सिंह, उदय कृष्णा, निकेश पांडे, कुमार मोहित सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करने की इनके अनोखी पहल के बारे में क्या कहेंगे आज दीपोत्सव है? हाँ, दीपावली के अवसर पर रोटी बैंक द्वारा ऑर्गेनाइज यह कार्यक्रम बच्चों में खुशियां बांटने का। वैसे यह सेंटर यहाँ प्रतिदिन बच्चे को शिक्षा दी जाती है, 80 से 85 बच्चे शिक्षित होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रोटी बैंक के साथियों का कि इस मौके पर हमें आने का मौका दिया और बच्चों की खुशियों में मुझे सहभागी बनाया। इन बच्चों में भी प्रतिभाएं हैं और इन्हें भी देश के लिए कुछ करने की चाहत है। इसमें बहुत से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर तो बहुत से नेता भी बनना चाहते हैं और प्रतिभाएं हैं, जरूरत है सिर्फ उनके एक मंच देने की जो रोटी बैंक मुहैया करा रहा है। और साथ ही समाज के जो जागरूक लोग हैं, मैं चाहूंगी कि ऐसे बच्चों की जरूर मदद करें। इस क्रम में उन्होंने 14 वर्ष कहाँ बिताए वन में, अपने घर की वापसी हो गई थी। 14 वर्ष के बाद पुनः वनवास काट के वो अयोध्या की हो सवर लेकिन तो बाकी रह गया 16 दिन है ना, मोटा मोटी 20 दिन श्रीलंका में है कि नहीं? और वहां से जब मिल जाए तो टाइम लगेगा ना। क्या हुआ बस मैंने यात्रा करके वहां पर पहुंचेंगे अयोध्या और अयोध्या वासियों को मालूम था कि हमारे राजा प्रभु श्री राम चलिए हैप्पी दिवाली, डॉक्टर अर्चना सिंह द्वारा दीप जलाकर इस दीपोत्सव कार्यक्रम Thank you.
मैडम आप अपना सहयोग के बच्चों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र भैया कहे बंद हो गए।